चाय टाइम। माय नेम इज नवाब। लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंस्पिरेशन आप लोगों को देते हैं, कईयों से आप इंस्पिरेशन लेते भी हो, और वो बड़े सिलेक्टेड से लोग होते हैं जिनको आप एडमायर करते हो। एंड उनको एडमायर करने का जो मेन रीजन होता है हमारा, वो होती है उनकी अचीवमेंट जो उन्होंने हासिल की होती है। ऐसी कुछ अचीवर्स ब्रांड आइकन का पार्ट बनने जा रहे हैं, और उन्हीं में से एक शख्सियत अभी मेरे साथ है, बिल्कुल सामने बैठे, लेकिन उनके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। हम सब लोग अपने बालों से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो आदमी है, बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, हर किसी को अपने बालों से मोहब्बत है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कई जगह पर कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और वो जब सैक्रिफाइस की बात आती है, वो आती है उस सैक्रिफाइस की जिनको प्रॉब्लम है बाल्डनेस की, या जिनके बाल हेयर ग्रोथ नहीं होती है, या जिनको बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। वेल, कुछ ऐसे ही गिने चुने लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, जो मेरे अगले पर्सनालिटी मेरे साथ हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा विद अ वेरी यंग डायनामिक जेंटलमैन, एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इंडिया हु इज जस्ट नेक्स्ट टू मी। व्हाट्स योर नेम सर? हाय, सचिन गोयल। सचिन गोयल मेरे साथ हैं। एंड सचिन गोयल, आप हैं क्या? बेसिकली लुक्स फॉर एवर। लुक्स फॉर एवर इज अ हेयर एस्थेटिक क्लिनिक। हेयर एस्थेटिक में क्या होता है, नॉन सर्जिकल, जो लोग बर्न है, बर्न हो जाते हैं, उनको हम किस तरीके से डील करते हैं। बर्न क्लाइंट्स का बेसिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाता, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, कोई सैलून ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, वो उनकी क्या नीड है। उनको उनको हम हेयर प्लेसमेंट से कवर करते हैं। हेयर प्लेसमेंट इज अ थिन पैच जिस पर बार्ड पोर्शन को हमें कवर करना है। बार्ड पोर्शन को हमें कवर करना है। बार्ड पोर्शन को कवर करने के लिए मेल पैटर्न बार्डनेस, मेल पैटर्न बार्डनेस से काफी लोगों को प्रॉब्लम है। बड़े मेट्रो सिटीज में तो हर जगह है, बट छोटे सिटीज में लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, वहां पे लोग नहीं कर पाते अभी। Okay. उन लोगों की प्रॉब्लम्स है, शादी नहीं होती लोगों की। बेसिकली उनको हम हेयर रिप्लेसमेंट से उनका बार्ड पोर्शन को कवर करते हैं। बार्ड पोर्शन को कवर करना बेसिकली आर्ट, अकॉर्डिंग टू हेयर कलर, अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्सचर। ह्यूमन हेयर्स होते हैं, जितना भी एरिया हम कवर करते हैं उनके साथ बिल्कुल मैच हो जाता है, कोई बंदा मेकआउट नहीं कर सकता उनको। ऑलराइट, जब ये आपके माइंड में ये चीज आई कि आपको इसी प्रोफेशन में जाना है, क्या कोई इंस्पिरेशन मॉडल रहा है, आपके फैमिली में कोई है जो इसी प्रोफेशन में है, या किसी को देखकर, किसी से इंस्पायर होकर आपने स्टार्ट किया? बेसिकली मैंने 2007 में स्टार्ट किया। मेरे बाल खुद कम थे, ऑलमोस्ट 2004-05। वाओ, मतलब आपने पहले खुद पर ट्राई किया उस चीज को, फिर आपने आगे कस्टमर्स को देना शुरू किया। अभी टोटल कितनी फ्रेंचाइजीज हैं आपकी? अभी मैंने स्टार्ट करी है गोरखपुर से, फ्रेंचाइजी स्टार्ट करी है। ओके। और थाईलैंड के अंदर हम फ्रेंचाइजी मॉडल मतलब अब आप वर्ल्ड वाइड होने वाले हैं। राइट। ओके, जब बालों की प्रॉब्लम आती है तो बालों की प्रॉब्लम सबसे पहले जाती है डॉक्टर्स के पास कि मेरे बाल नहीं है, या फिर मेरे बालों की हेयर ग्रोथ नहीं है, लास्ट में आते हैं आप? बिल्कुल, आई गेस बिल्कुल लास्ट में, जब सारी होप खत्म होती है तब आप आते हैं। पहले लोग सैलून के पास जाते हैं, कुछ छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो बंदा सैलून आता है, हेयर कट करवाने तो सैलून के पास जाते हैं, फिर डर्मेट के पास जाते हैं, जहां पे उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है। लोग बहुत परेशान होते हैं बालों के लिए, थिनिंग प्रॉब्लम है, बाल्डनेस आ जाए तो कोई भी बंदा उनका इलाज नहीं कर पाता है। Okay. वो लास्ट सॉल्यूशन है नॉन सर्जिकल। Okay. आज की डेट में काफी फिल्म इंडस्ट्री भी ये मेथड यूज करती है। ओके, एंड इसकी प्रॉपर आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है, गाइडलाइंस ली है? कोई ट्रेनिंग नहीं होती, जैसा आर्ट वर्क कि कैसे हमने बंदे को सजाना है। लुक्स, वाओ, आर्ट वर्क है। आर्ट वर्क कैसे स्टार्ट हुआ, बेसिकली स्टार्ट होते हुए तो 20 ईयर्स हो गए, बट क्या कहते हैं 15 सालों से 10 सालों से इतने डेलिकेट हेयर पीसेज आ रहे हैं कि जिसको बंदा कोई बंदा मेकआउट नहीं करता। टेक्सचर मिल जाता है, बर्न क्लाइंट्स हो गया, एलोपेशिया क्लाइंट्स हो गया, उनके लिए कोई ट्रीट नहीं है। एक्सीडेंटल क्लाइंट्स जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, मेल पैटर्न बार्डनर्स जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं। Okay. बाल दे सकते हैं बेसिकली, Wow. उसकी नेचुरल ब्यूटी दे सकते हैं। सो बेसिकली इन अ सिंगल लाइन मेन बात ये है कि जिसके भी सर पर बाल नहीं है ये उनको Ladies and gentlemen, we welcome you all to International Excellence Award 2018. Thank you for having me. I'm really honored to be presenting these awards. Thank you, Brand Icon, for inviting me. The next set of awards, ladies and gentlemen, is the International Excellence Award for Best Hair Replacement in a Delhi NCR. And the award goes to Looks Forever Hair and Skin Aesthetic Clinic. May I please call upon stage Mr. Sachin Goel. Yes, can we please?